हेलो गाइस, वेलकम टू सालिम डिस्कवर 2.0 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी 2020, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक आईडी क्रिएट करनी होगी, जिसका नाम है दोस्तों ABC ID। अब ABC ID की फुल फॉर्म की हम बात करें तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। दोस्तों ABC ID का सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आप अपने हर साल के और सेमेस्टर के रिजल्ट अपने ही मोबाइल पर देख पाएंगे। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो एक फॉर्म भरा जाता है एग्ज़ाम फॉर्म, वो भी आप यहीं से ही भर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये प्रत्येक स्टूडेंट को भरना है फॉर्म, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता हो या यूनिवर्सिटी में। तो ये हर किसी को आईडी क्रिएट करनी है। तो एक्चुअल में दोस्तों, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों बिना वीडियो को स्किप करें, पूरी देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आईडी बनाकर दिखाता हूँ। लेट्स गो। सो फाइनली गाइस, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्ले स्टोर पर क्लिक करना होगा। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद में सर्च बार में आपको टाइप करना होगा DIGILOCKER डीजी लॉकर और सर्च कर देना होगा। इसको टाइप करके हमने सर्च कर दिया गाइज, और यहाँ पर आ गया हमारा डीजी लॉकर ऐप। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना होगा। तो फाइनली दोस्तों, हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर ओपन पर हमें क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर हमने ओपन पर क्लिक कर दिया है। ओपन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है चूज़ योर लैंग्वेज, जिसमें आप कंफर्टेबल हो गाइज, उस वाली लैंग्वेज को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इंग्लिश पे रहने देते हैं, और इंग्लिश पे रहने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आप कुछ ये सोर्स दिख रहा है, इसको आपको पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद में गाइज, फिर दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद में लास्ट में आ जाता है लेट्स गो। लेट्स गो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ही आईडी आपकी बननी शुरू होगी। आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना होगा। गेट स्टार्टेड के बाद आपको, अगर आपका अकाउंट पहले ही बना हुआ है डिजी लॉकर, आप साइन इन करें, नहीं है तो आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो हमने क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कह रहा है क्रिएट अकाउंट इज़ फास्ट। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अनुसार ही आपको नाम डालना होगा, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी होगी, और फिर मोबाइल नंबर, और आपको सिक्योरिटी पिन बनाना होगा जो आपके याद रहे वो डालना होगा, ईमेल आईडी डालनी होगी, और लास्ट में फिर आधार कार्ड नंबर आपको डाल लेना होगा। तो ये दोस्तों ये सब सारी जानकारी हम जल्दी से फिलअप कर लेते हैं और फिर आपको सबमिट करके दिखाते हैं। तो भाई जी, ये हमने सब आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर दी है, और ये फिलअप करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो यहाँ पे OTP आ चुका है, हम यहाँ पे OTP सबमिट कर देते हैं जल्दी से। तो गाइस, जो OTP हमारे मोबाइल नंबर पे भेजा गया था, OTP डालने के बाद में गाइस हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट पे करने के बाद में ये कह रहे हैं आप अगर पासवर्ड आपको सेव करना चाहते हैं मोबाइल में तो सेव कर सकते हैं। अब आपको गाइस यहाँ पर अपना यूज़र नेम सेट करना होगा, क्या यूज़र नेम आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। दोस्तों यूज़र नेम आप किस प्रकार से बनाएंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहले आप अपने इंग्लिश के कुछ शब्द यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में मैथ के कुछ अंक डालेंगे, और फिर एक करेक्टरिस्टिक डालेंगे। करेक्टरिस्टिक मतलब जो @ वगैरह होता है जो आप अपने ईमेल में यूज़ करते हैं वो डालेंगे। उसको डालने के बाद में गाइज आपको सिंपली क्या करना है, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख ही सकते हैं यहाँ पर योर यूज़र नेम विल बी सेट टू Salim9068@ की हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ पर ओके पर हम क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में गाइज आप देख सकते हैं यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये हमारा यूज़र नेम यहाँ पर सक्सेसफुल क्रिएटेड हो चुका है, अभी वापसी रिडायरेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो आधार कार्ड ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, नीचे आ रहा है गेट नाउ, तो गेट नाउ पर हमें क्लिक कर देना है। और गेट नाउ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आई एग्री पे हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में गाइस ये एकदम रिडायरेक्ट करके आपको OTP पहुँचा देगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक वाले मोबाइल नंबर पर OTP आ गया, इसको हमें अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद में गाइस अब यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद में गाइज कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। ये हमारा आधार कार्ड इससे अटैच हो चुका है। फाइनली गाइज हमारा आधार कार्ड इससे जो है लिंक हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, देखो यहाँ पे माई प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा आधार कार्ड वगैरह ये फ़ोटो के साथ यहाँ पर आ रहा है, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, अब मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर सर्च बार में जाना है,
सर्च बार में जाने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको करना है ABCID, यहाँ पे ABCID आपको लिखना है। ABCID कार्ड जैसे आप लिखेंगे नीचे लिखा हुआ आ गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में गाइज आपका आधार कार्ड के अनुसार स्वयं ही आपका नाम यहाँ पर ऊपर चुन जाएगा और आईडी जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो भी यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, दोस्तों सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप पे हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद भी हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना है। आप अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज हमने यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर दिया है। यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देने के बाद में गाइज नीचे आ जाता है सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन नेम, आपके कॉलेज का या आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है तो वहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी आ रही हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ गाइस, तो थोड़ा टाइम लग रहा है चूज़ करने में। मैं देख चूज़ करता हूँ जल्दी से और दिखाता हूँ आपको पूरा प्रोसेस। तो गाइस हमें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर लिख रहा है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में गाइस हमने ये चूज़ कर लिया सब कुछ। चूज़ करने के बाद में गेट या डॉक्यूमेंट पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में गाइस ये थोड़ी ही देर में आईडी हमारी क्रिएट होने के बाद हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये फ्रीजिंग हो रही है आईडी, तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसको ग्रीन होने के बाद ही पूरा। यहाँ पर गाइज आईडी बनकर तैयार हो चुकी है ABC। अब हम मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज ABC आईडी कार्ड पर क्लिक करके। तो यहाँ पर गाइज आप सब देख सकते हैं मेरी आईडी बन चुकी है। यहाँ पर मेरा प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर आ रहा है जो आधार कार्ड पर लगा हुआ था, और यहाँ पर ABCID लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ गाइज अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, और नीचे आ रहा है गाइज ABCID। ये हमारी आईडी बन चुकी है और ये मेरा नाम नीचे आ चुका है। तो गाइज आप सिंपली तरीके से ऐसे आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भेजकर उनकी भी मदद ज़रूर करें, और लास्ट में कमेंट करके ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से और कौन से राज्य से देख रहे हैं। आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो हमें और वीडियो बनाने का हौसला प्राप्त होता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।